लोकसभा इलेक्शंस की कैंपेन के तहत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से पुंछ जिला में पब्लिक रैलीज को मुनक्कित किया गया, जिनकी क्यादत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर मैदान में उतारे गए कैंडिडेट जफर इकबाल खान मनहास ने की। ये पब्लिक रैलीज पुंछ जिला इकाई के बैनर तले मुनक्कित हुई, जिसमें अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने शमूलियत की। इन रैलीज के दौरान बोलते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से कैंडिडेट जफर इकबाल खान मनहास ने यह दावा पेश किया कि महज वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कई एक मौजू पर अपने बयान रखे, जिनमें उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि लोग महज उसी कैंडिडेट को वोट देकर कामयाब बनाएं जो कि लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मसाइल हल करने की बात करता है और जो कि तरक्की के राह को मजीद आसान बनाने के मंशूर को लेकर आगे चला है। उन्होंने कहा कि तमाम दीगर सियासी जमातें लोगों को बड़े बड़े मामलों पर भटकाने की कोशिश कर रही हैं और लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखी जा रही हैं जो कि एक आम शख्स की जिंदगी के साथ जुड़ी तक भी ना है। लेकिन 70 पैसे का कोई पॉलिटिकल इंपावरमेंट नहीं दिया। 75 में 96 में इन्होंने इतनी ही गारंटी ले ली होती दिल्ली से, इंटरनेशनल गारंटी भी मिल सकती थी उस वक्त के 370 परमानेंट है। इन्होंने कहा है ये परमानेंट है, लेकिन इनकी नियत पहले दिन से इसको हटाने की थी। अगर हटाने की नहीं थी तो 82 में शेख साहब ने कैसे करारदाद पेश की और कहा आप इसको हटा दो, ये कोई पुरानी सरीका नहीं। और फिर उसके बाद एक दूसरी जमात आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी इल्जाम दिया, ये फतवे देना बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा ये आईबी की टीम है, ये रा की टीम है, उन्होंने उनका इल्जाम लगाया, उन्होंने उनमें। और तब भी पीडीपी की सरबरा ये कहती थी, तब भी एनसी का सरबरा ये कहता था कि रोड पानी बिजली के लिए वोट देनी, 70 साल से ये कह रहे हैं। इसलिए इनके बच्चों को सड़क पानी बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पैदा दिल्ली में होते हैं, पढ़ते लंदन में है, पैदा जम्मू में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो पढ़ते कहीं और हैं, इसलिए उनको सड़कों की जरूरत क्या है। हाँ, जब वो जवान हो जाते हैं हमारे सर पर आकर सवार हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला लंदन से पढ़ के आया, मिर्जा अफजल बेग 22 साल तक शेख महमूद अब्दुल्ला के साथ जेल में रहा, लेकिन जब बेटे को एडजस्ट करने की बारी आई उसको 1 लाख मार कर फेंका गया। उस वक्त भी सीनियर लोग मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला को एडजस्ट करने का मौका आया, he was just होटल के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर का, वहां सभी पूरी जैसे पढ़े लिखे लोग थे, और तो इमरादर था, शेख नजीर था, किसी को घास नहीं डाली गई, नहीं उमर साहब आप आपने। और यही हाल मुफ्ती खानदान का भी है, मुजफ्फर हुसैन बेग, तारिक अमीन कर्रा, गुलाम हसन मीर, इलावर मीर जैसे स्टार वार्ड को किसी ने पास नहीं डाली, मैडम को मरा दिया गया और अब उनके बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस खानदानी राज से जम्मू कश्मीर को निजात नहीं मिलती, हमारे रास्तों के कांटे जो हैं वो साफ होने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ, वोट डालते वक्त वोट को आज इज्जत दीजिए, यह आपकी राय है। बार बार डसने वालों को एक नाम या दूसरे नाम पर गुमराह मत हो जाइए। ये वोट डेवलपमेंट का वोट है, ये वोट किसी मजहब के लिए नहीं, ये वोट किसी इलाके के लिए नहीं, ये वोट डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और डेवलपमेंट के लिए है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं उसे यकीन दिलाना, अगर मुझे मौका मिलता है, अगर आप के अल्लाह की ताईद और आपके वोट से मैं चुनके आता हूं, 3-4 चीजें मेरे दस्तूर में है। अपनी पार्टी का दस्तूर काफी बड़ा है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से
तीन चार चीजों का मैं आपको यहाँ इस श्लोक में फायदा देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। मेरा पहला मुतालबा ये होगा कि जो भी जो है ये पहाड़ी सिलसिले में गिरा हुआ माउंटेनियस इलाका है, ये बॉर्डर है, इन्होंने सफर किया है 70 साल में, कोई वजह नहीं कि अगर आप लेह को हिल मौसम दे सकते हैं, अगर आप करगिल को हिल मौसम दे सकते हैं, इस खिते को भी हिल मौसम मिलनी चाहिए, ताकि इनका अपना बजट हो, ताकि इनके अब ये खुद अपना अपनी तबीयत को यहाँ संभालने और सुधारने की कोशिश करें। ये इलाका जो है ये पहाड़ों में गिरा हुआ है, ये इलाका बहुत ही अभी इसमें दिक्कतें हैं, इसलिए इसका हक बनता है कि इसकी लोकसभा की सीट सिर्फ और सिर्फ कितने भारतीय प्रजा के लिए होनी चाहिए। ये मेरा अल्लाह से वादा है कि मैं इसके लिए आपकी जितनी भी कोशिश होगी वो करूंगा। मेरी तीसरा मैनिफेस्टो का तीसरा हिस्सा ये है, वो ये है कि ये जो हम रोड है ये फियर वेदर रोड ना रहे, बल्कि ये 12 महीने के लिए रोड बने, वो तब बनेगी जब हम पीर की गली में और गिरा की गली में दो टैनल बनाएंगे। तीन चीज, चौथी अहम चीज इसकी तरफ आपका शायद कम ध्यान हो, बाहर से मिस्टर आता है एक दिन में गुलमर्ग में वो बोर हो जाता है, उसके पास देखने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन कुलगाम से इधर, शोपियान से इधर, ये वादी, ये पहाड़ों में गिरा हुआ इलाका, इसमें इतने पास्चर्स हैं, इतने बैक आपने हो, इतने मैदान हैं, इतनी वाटर बॉडीज हैं, सर झीला जैसे कोंकण जैसी भूतों की जगह है, कौशर नाग है, नंदन सर है, कटोरी सर है, और भी पता नहीं कितनी, अगर इनको यूरोप के तर्ज पर डेवलप किया जाए, अगर ये रास्ता पूरा 12 महीने के लिए खुल जाए, अगर यहाँ पर गंडोला का सिस्टम बन जाए, और अगर यहाँ लिफ्ट बनाई जाए, और इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पहाड़ों का मैंने चढ़ते हुए स्विट्जरलैंड और तुर्की में देखी है वो बन जाए, ये इलाका 12 महीने के लिए टूरिज्म का हब होगा, जहाँ होटल भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और ये मेरा ख्वाब है जो मैंने खुदा गवाह है, आज नहीं बरसों बरसों पहले जब मैं प्रोग्राम करने यहाँ आता था, कभी चाकबनोला, कभी चतराल, कभी इधर कभी उधर, तब भी मैं ये ख्वाब देखता था, शायद अल्लाह ताला ने वो मौका पैदा किया है कि मैं वो ख्वाब पूरा करूँ। इसलिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह जो दिलों का मालिक है, जो अलीम है, जो बसीर है, ना मैंने दरख्वास्त की, ना मैंने मुतालबा किया, ये मैंने कहाँ से आया, मेरी झोली में डाला गया, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे हमदर्दों की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, शायद उधर से आपकी और खिदमत करवाना चाहती है, और मैं जरूर करूंगा। करने वाले बहुत लोग आएंगे, आप लोग यहाँ कुछ वनस्पति किस्म के लोग भी आएंगे, उन्हें ये बताइए आप जो भी कहें वनस्पति हैं, हम असली घी है भाई। जफर मनास को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत, अलबत् मैं हाथ जोड़ के उनको दरखास्त करता हूँ कि अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कौम को गुमराह मत करो, लोगों को तकसीम मत करो, बरादरी की जो एक मुठ है पहाड़ियों की, इसको तबाह मत करो, पहाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ अपनी जाति वजह से खिलवाड़ मत करो। तो मैं आखिर में एक दो बातें ये कहूँगा, एक तो ये कहूँगा, एक पहाड़ी नगमा है और कमाल यह है कि वो हमारे बुजुर्ग भाई ने लिखा है, बाबू नूर मोहम्मद नूर ने, उसका एक मुखड़ा यहाँ पे पेश करूंगा कि उठ जाग पहाड़िया जाग जरा, उठ जाग पहाड़िया जाग जरा, ए वेला नहीं हूं सोने ना, ए वेला ए मौका नहीं हूं होने ना, दौर जमहूरी दसना है, रा अगे अगे होने ना। और अजीम खान की आवाज में एक मिसरा कि मैं कर बता दी रानी, पहाड़ी जुबान मेरा ना शाखा, मैं पर बता दी रानी, पहाड़ी मकान मेरा ना शानदार बांका, पहाड़ी जुबान मेरा
हामी हो नासिर हो और पंजी मई की भी यकीन है यकीन है यकीन है फिर जीत हमारी इंशाल्लाह होगी। इस बैठ को आप जरूर याद रखें और एक पैन आ रहे में जरूर देना हर जगह जेड़े 70 साल